अस्सलामुअलैकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी अच्छे हो। आज है जुम्मा, तो सबको जुम्मा मुबारक मेरी फैमिली की तरफ से। और रोटी बहुत देर हो गया, अब भी नाश्ता पानी करने के लिए बैठी। नाश्ता पानी करने का, फिर खाना बनाने का, फिर जाने का लड़का का स्कूल में। उसका स्कूल में कुछ काम है, वो काम करने के लिए जाने का स्कूल का काम के लिए। तो ये वो स्कूल जाके आ गया। उसका स्कूल आज सुबह ही था, तो सुबह ही आ गया स्कूल जाके। खाली आप मेरे को जाने का है। और नहा धा के हम लोग नहा लिए दोनों जन, दोनों का नहा के हो गया, सब हो गया। खाली नाश्ता करूँ, फिर खाना देख के खाना बना लूँ, बना उना के फिर चालू। क्या बताओ, दूध चाय? हाँ, अरे माला ही है गरम बोल के, वो माला ही है। अरे नहीं तो ये एक बार गौर से देखो, कुछ दिखाई दे रहा है? देना हिल रहा है। ऑडियंस को भी दिखा रहे हो? माला ही बोल से डांस। तो ये हस्बैंड काम पे तो चला ही गया सुबह। पहला लड़का जाता है, फिर हस्बैंड ऐसा। और आजकल दोनों को एक साथ में ही उठाते, दोनों उठ जाता है। आज दोनों साथ में ही उठाता है। तो चलिए नाश्ता पानी कर लो, करके खाना बनाओ, फिर जा के आओ। और ये लेने का है, सूखा मच्छी लेने का है। जाते जाते देख लूँ, गाड़ी वाला लागा रहेगा तो उससे बोमबिल ले कर आकर रख दूँ, नहीं तो बारिश में बहुत तकलीफ होगा। ले बोमबिल की जरूरत गिरते हैं तो बहुत तकलीफ होते हैं। दूध और बिस्किट, गिलास में दूध है। अभी दूध बिस्किट खाओ, फिर चाय पी। गोली खाने का इसके लिए। तो चलिए मिल लूँ आप लोग से। तो चले गाइस, मैं तैयारी हो गई। खाना सोची थी खाना बना के जाओ, फिर सोची जान दो आके ही बना लेंगे। अभी कितना 12:17 हो गया, आके ही बना लेंगे फट। ज़्यादा देर काम नहीं है, थोड़ी देर का ही काम है। तो फिर स्कूल से आए, जाके आओ। और मच्छी की गाड़ी आया कि नहीं देखूँ, तो मच्छी भी लेके आओ एक बार, सूखा मच्छी लेके आओ। फिर आके खाना बनाओ। जब तक लड़की चावल वावल बैठा लेंगे, वो उसका भी नहा के हो गया, वो चावल बैठा के वो नाश्ता पानी करके लेंगे, फिर उसका जो काम रहेगा वो करते रहेगा। मैं तब तक आ भी जाएंगे। तो ये अभी गया मेरा लड़का टॉयलेट में, जैसे ही जाने का टाइम हो उसको टॉयलेट में जाना जरूरी हो जाए, उसको भी लेके जा रहे। बारिश आया थोड़ी सी, आए एक दो मिनट भी नहीं गिरा, चला गया बारिश। अभी जाने का तैयारी में बैठी, अभी वो आए तो पूछा, फिर आप लोग से आके मिल लो। और क्या काम करने जा रही, वो आके मैं जा रही हूँ। उसका फीस का बारे में पूछा, उसका फीस का बारे में पूछने जा रही हूँ। फीस मालूम है अभी 900-700 रुपये फीस है, 700-900 ऐसा कुछ फीस है। तो उसका पूरा इंक्वायरी करने जा रही, कितना क्या है, कितना पूरा साल भर का कितना है, सब पूछताछ करके आओ, आके फिर ये करो। तो चलिए आके मैं गया। तो चलिए गाइस, मैं स्कूल से जाके आई, आके
हाथ मुँह सब धोई, कपड़ा चेंज की, हाथ मुँह धो धा के फेस हो गई। अभी बनाने वाले खाना और कितना हो गया मालूम, 1:14 हो गए। जा रहे हो अभी खाना बनाने के लिए। कुछ भी नहीं, सिर्फ एक की भाजी बनाएंगे बस हो जाएगा। एक भाजी और कुछ नहीं। बाबा तू वो वाला बैग ले ले। हाँ अभी तो इसको बना के लेके आऊंगी शाम को। वो ले ले, मैं बैग लेके जाएंगे। जा अभी बैग 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 लेके झगड़ा। मेरी जो लड़की है ना वो बहुत हिरिसपनी है, उसमें इतनी हिरिसपनी और इतनी झगड़ा करती है ना। मैं तो उसको टाइम दी 1 महीना, मतलब पेपर होने का 1-2 महीने ही टाइम, जब तक उसका रिजल्ट ना निकल जाए दूसरी बार का पेपर का। जैसा ही रिजल्ट निकलेगा दूसरा दिन मैं उसको हकल देंगे घर से। वो पास करे या फेल करे या कुछ भी करे, मेरे को कोई ये नहीं, उसको हकल देने वाली हूँ, नहीं रखने वाली उसको, क्योंकि उसका अत्याचार और हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जितना हम लोग को तड़पाता है ना दिन रात, वो बर्दाश्त नहीं होती है। हमेशा गुस्सा दिखाने का, हमेशा कुछ ना कुछ ये करने का। लड़की जाते इतना गुस्सा दिखाने का क्या ये कुछ भी बोलो नहीं कुछ भी नहीं, फिर भी गुस्सा दिखाएंगे, कुछ ना कुछ ये करेंगे, ऐसा वो करते रहेंगे ना, कोई उससे ये नहीं करेंगे। मैं तो बोलती हूँ वो दूसरे का घर में भी जाकर रह नहीं पाएंगे। मैं इसके लिए बोली तू चली जा मेरा घर से, मेरे को नहीं चाहिए उसको मेरा घर पे। जिसको जो बोलने का बोले मेरे को, मेरे को कोई ये नहीं। कोई बोलेंगे कैसी माँ है ये, ऐसा बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, मेरे को कोई ये नहीं। जब वो इतना ये करते उसको मैं भेज देंगे सर। तो चलिए, मैं स्कूल का काम आधा ही हुआ आज, खाली फॉर्म जमा दे के आई और पैसा दे के आई, स्लिप लेके। अब मंडे को लड़का को दे के भेज देंगे पेपर, वो लेके आएंगे वो कागज़, जो कागज़ मेरे को चाहिए वो लेके आएंगे। बाद बाकी का काम फिर होएगा बाद में, यही है। और अभी खाना बनाने का क्या बना रही देख रही, और क्या क्या मच्छी लेके आई वो भी देख रहे। चलिए क्या ये सूखा मच्छी जो मेरा नवाब का पसंद है, लेकिन उसको मैं देखा नहीं सकती, वो खुला आंग पे उसको गर्मी हो रही है। ये 50 रुपये का आधा पाव, बहुत सारा दिया, इधर से लेके हैं तो इससे भी जास्ती, और एक नंबर है, बड़ा वाला है। और इसमें 100 रुपये का एक पाव बोम्बिल, सूखा बोम्बिल, बस यही दो चीज़ें लेके। झींगा उंगा लेके नहीं आए, झींगा उंगा नहीं चाहिए, इससे हो जाएगा एक है बस। तो चलिए, अरे बनाएंगे बटाटा डाल के मसाला वाला, तो फटाफट साफ कर लूँ लेके बना। तो चलिए मिल लो, इंटरनेट वाला तेरा पापा बोला ना देंगे। तो चले क्या इधर तेल बैठा दी, आज बैगन वैगन नहीं डालेंगे, खाली ऐसे बनाएंगे। अरे बाप रे, चल चले इधर बटाटा है, इधर है सूखा मच्छी, और इधर है वो राय राय के जो आता है मेरा मोबाइल पे, और कांदा। अरे इधर है मसाला, अरे थोड़ा चाय था, मैं बोली अभी कुछ खाने के लिए नहीं है, चाय को ही पी लूँ। अभी कितना बज रहा मालूम है, 2 बजने जा रहा है। इधर करो तो उधर नहीं होएगा, उधर करो तो इधर नहीं होएगा, ऐसा खाना बैठेगा। ऐसा भी खाना बन रहा है, और आज थोड़ी देर पहले बारिश हुआ, उसका बाद बादल छा रहा है, धूप हो रहा है, बादल हो रहा है, धूप हो रहा है, अभी बादल बादल आया, लेकिन हवा चालू है मस्त ठंडी ठंडी हवा।
बाहर चलो ना तो थोड़ा गर्मी होता है, फिर भी ठंडी ठंडी हवा में गैलरी में खड़ा रहो ना, किचन में खाना होना तो किचन में खिड़की नहीं है लेकिन दरवाजा है गैलरी समेत, गैलरी टच किचन का दरवाजा, तो मस्त हवा आ रहा है ठंडी ठंडी जैसे। और खाना बेटा अभी अभी हो जाएंगे, बटाटा पकेगा तो मच्छी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मच्छी बनाने के लिए। और कपड़ा डाली, क्या मस्त हवा आ रही है, ऐसा लग रहा है इधर ही सो जा। तो चलिए खाना देखो, नहीं तो फिर इन लोग को खाना पीना खिला के सुलाने का, लड़का का ट्यूशन है 5 बजे से इसके लिए। तो चलिए कांदा हो गया, मसाला जो था वो उसको ही डाल दी, अब इसमें अदरक लहसुन डालने का, अदरक लहसुन लहसुन डाली और बाकी मसाला डाल ली। चलिए इसमें हल्दी नमक मिर्ची पाउडर डाल ली, धनिया पाउडर नहीं डाली, कभी कभी धनिया पाउडर को मैं स्किप करती हूँ और कभी कभी डाल लेती हूँ। मसाला का बाटी धो के ही पानी डाल ली, बटाटा धो के रखी, खाली मच्छी को धोने का अच्छे से, बाहर को तुम भी साफ करने का, तब तक थोड़ा चाय पिया जाए। चाय पी के हो गया, अभी इधर डाल ली बटाटा, इसको भून के ले जब तक मैं कोतुंबी साफ करके धो ले। इसमें मच्छी डाली, मच्छी को धो ली थी अच्छे से, फिर डाली अब पानी डालेंगे और कोतुंबी डालेंगे, थोड़ा ही पानी डालेंगे इसमें, ज़्यादा गिल्ला गिल्ला नहीं बनेगा, थोड़ा सूखा सूखा बनेगा। सब डाल दी, अब ये हो इतना ही पानी में ये मच्छी बन के तैयार हो जाएगा। चलिए ये होते हैं, चलिए मेरा भाजी हो गया, सूखा सूखा बनाए, ज़्यादा पानी नहीं रखे। बाबा तू क्या खाएगा बाबा, ए बाबा बहरा बाबा क्या खाएगा तू, भाजी अभी तो तेरा मन पसंद मच्छी बनाए और क्या दू, चलिए चावल खाएगा तो दूसरा मैं इसमें देने वाली थी और रोटी खाएगा बोल के, लेकिन बोला चावल तो दूसरे में देना पड़ेगा, लड़की दे देंगे, अभी लड़की नाखून काट रही है उसका हो जाए फिर वो देंगे खाना, तू नहीं खाएगी वो भी खाएंगे, हम लोग तीनों जन खाना खा कर सो जाएंगे। चलो हाय गाइस, मैं चॉकलेट है इसके लिए ऐसा हो जाए, मेरा बाल ऐसा क्यों हुए मैं बता रही हूँ आप लोग को इसका रीजन। मैं गई थी फ्राइडे मार्केट को, गया खाना खाने के बाद यार दोनों जन गया कर रहे खाना हो गया, अभी टाइम कितना हो रहा है मैम, 11:51 चलना। मैं और मेरा लड़का मार्केट गई, पूरा बारिश में भीग के, दो बार बारिश में जा चुके हैं, मुझे कोई नानी नहीं दी है, उधर गई पूरी बारिश बारिश, चप्पल चप्पल चेंज करने का था तो उसका चप्पल नहीं मिला तो पैसा वापस दे दिया, वही पैसा से लाई हस्बैंड के लिए एक डब्बा बड़ा रोटी लेके जाने के लिए, जिसमें रोटी लेके आता है ना वो छोटा है तो 4 रोटी नहीं आता है, उसके लिए बड़ा डब्बा लेके, और मच्छी का अंडा, मच्छी का अंडा लेके, बस वही सब लेके आ गई, और कुछ नहीं लेने का तो बहुत कुछ, लेकिन बारिश का चलते कुछ नहीं ले पाए, फूल बारिश उधर
भीग भीग के हम लोग आए, खाना हो गया हम लोग का, मेरा हस्बैंड का, मेरा लड़का का। हस्बैंड गया बेडरूम में सोने, अभी लड़की खड़ी है सोफे के ऊपर बैठ कर खाना, और लड़का का हो गया उसका गोली उली जो भी था, वो गोली भी वो खा लिया, उसका कैल्शियम की गोली, गैस की गोली, और मुंह में छाला आ रहा है उसको, तो उसका गोली उसका हो गया। और उसका गोली अभी बंद है, जो उसका हमेशा का गोली रहता है ना, इंसुलिन क्या बोलता है उसको, आइसुलेंस, क्या उसको आता है उसका, और किडनी का गोली अभी बंद है, क्योंकि अभी उसका इंफेक्शन कम है बोल के बंद रखा है, ऐसी बात है। तो चलिए वीडियो भी ख़त्म कर दो, सुबह 5 बजे उठने का है, और खाना बनाने का, हस्बैंड का डब्बा और रोटी भाजी, लड़का का स्कूल है, चलते ही यार सब रूटीन। तो चलिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ दिन, हैप्पी नाइट डे। आप लोग को लगेगा मैं दोपहर को वीडियो बनाती हूँ, फिर इतना लंबा गैप करके रात का थे, शाम को उतना कुछ रहता ही नहीं, और हमारे शाम को उठती जैसे ही उठ के अगरबत्ती करने का, शाम को अगरबत्ती लगाती हूँ मैं हर दिन, शाम को अगरबत्ती लगाते लगाते हस्बैंड आके हाजिर, तो इसके लिए आड़ ये नहीं करते, उनसे बातचीत करने का, उनका ये करने का, ऐसा चलता रहता है उनका साथ, तो और वीडियो नहीं बना पाते। फिर वो नहाने के लिए जाएंगे, फिर उनका नाश्ता ये वो सब, वो उसके लिए नहीं होता है, इसके लिए रात का। तो चलिए कल मिल लो, बाय, दुआ में याद रखना, गुड नाइट।